लिख दे मम्मी को कि हाँ थोड़ा लेट होगा हाँ थोड़ा लेट हो सकता है, ना? 7:30 हो रहा भैया। तो आप लोग कितने बजे से फिर इस क्लास स्टार्ट होगी? 8:30 भी एग्जैक्ट तो नहीं होगी, 8:45 तो तक जाएगा। ठीक है 8:45 बोल दो, अगर 8:50 हो गया 8:55 हो गया, 10-5 मिनट इधर उधर रहेगा प्लस माइनस। भैया मिटाने वाला लेकर आए थे कहाँ रखा? वो यहाँ पे 2-3 तो पड़े होंगे। चलो भाई उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे लिखना सीधा। चालू हो गया ना? अच्छा कहां तक जा रहा है बोर्ड वो भी देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है इधर तो पूरा आ गया ऑलमोस्ट। यहां से आधे पर से लिखना पड़ेगा, इधर इतना और इधर इतना। बस छोड़ना। चलिए भैया लाइट जला लो भैया, ज्यादा अंधेरा भी ठीक नहीं है। हाँ किल्विस आ जाएगा, यू नो किल्विस, कौन था किल्विस? हाँ अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान देखिए आप लोग कैसे देख लिया, वो तो मेरे बचपन में आता था। शक्तिमान किल्विस, जयकाल को जानते हैं आप? जयकाल प्रोफेसर था, प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर जयकाल हमेशा एक खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करता था। लिंक नहीं भेजना है, मैसेज लिखिए टुडेज बायोलॉजी क्लास, लिखो भैया टुडेज बायोलॉजी क्लास विल नॉट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ड्यू टू लिखने की क्या जरूरत है, सफाई क्यों दे, है ना भैया? विल नॉट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, प्लीज डू नॉट वेट, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन YouTube वेरी सून। चलो भाई टुडेज बायोलॉजी क्लास विल नॉट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, प्लीज डू नॉट वेट। ठीक है लिख दिया, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन YouTube वेरी सून। चलो भाई तो आप कहां तक लिख चुके हो? 3 समस्याएं जो आई थी वहां तक आप पहुंच चुके हो, तीनों समस्या के बारे में आपने कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब उसके आगे हम लोगों को लिखना है, कहां से लिखना शुरू करेंगे भैया? आप ई कोलाई में जो समस्या आई थी वो दूर करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में समस्या आ कहां से रही है, ठीक है ना? चले देखिए भैया ह्यूमन इंसुलिन, देखिए भैया 3 पेन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, अगर आपके पास है तो आप भी इस्तेमाल करें। देखिए ये है भैया ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर, इसमें आपके सामने ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, दिस इज जो ब्लू कलर वाला है ये है ए पेप्टाइड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनाओ भैया, ए पेप्टाइड। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है दिस इज बी पेप्टाइड, एंड ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है दिस इज सी पेप्टाइड। दिस इज द ह्यूमन इंसुलिन, ये आपके पास होती है, लिखेंगे यहां पे प्रो इंसुलिन,
नीचे लिखेंगे इन एक्टिव प्रो इंसुलिन है ये, दिस इज इन एक्टिव, और क्या लिखेंगे बे सिंथेसाइज्ड इन प्रो फॉर्म, ये ऐसे ही प्रो फॉर्मेट में बनी है, क्या हो गया लिखो भैया जल्दी जल्दी लिखो, बातें मत करो, सिंथेसाइज्ड इन प्रो फॉर्म, ऐसे ही प्रो फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, देन क्या करते हैं भैया आप इसके बाद आप इसको मैच्योर करते हैं, लिखिए रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड एंड दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं कि भैया मैच्योरिटी की जा रही है, किसकी प्रो इंसुलिन की, मैच्यूरेशन भी बोल सकते हैं आप भैया, मैच्योरिटी या मैच्यूरेशन होता है, सी पेप्टाइड रिमूव होता है, और ये कौन करता है, कौन करता है बीटा सेल्स ओनली, बाय बीटा सेल्स ओनली, ये काम करने की कैपेबिलिटी सिर्फ बीटा सेल्स के पास है, कौन सा काम करना सी पेप्टाइड को रिमूव करना। अब जब आप सी पेप्टाइड को रिमूव करोगे भैया तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज बी पेप्टाइड या बी चेन, जो भी आप बोलना चाहो भाई एक ही बात है, दिस वन इज ए, सिर्फ ये दो बचे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में भैया ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में आप बनाएंगे क्या भैया डाई सल्फाइड ब्रिज, क्या इससे पहले कहीं डाई सल्फाइड ब्रिज आया है क्या, कहां पे एंटीबॉडी में भैया, सल्फाइड की स्पेलिंग क्या होती कोई बताएगा, एफ आई डी ई या फिर पी एच आई डी ई, एफ आई डी ई सही है स्पेलिंग, कहीं कहीं पे लिखा हुआ ना भैया एनसीईआरटी ने एफ आई डी ई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी ने एफ आई डी ई, इसलिए मैं बोलता हूं भैया बहुत ज्यादा फोकस इन स्पेलिंग पे मत रखिए भैया, इंग्लैंड में यही है ना भैया, चलो भैया कोई बात नहीं है इससे मतलब नहीं है, आप जानते रहो डाई सल्फाइड, ऐसा नहीं होगा ऑप्शन में लिखा हो डाई एस यू एल पी एच आई डी ई डाई एस यू एल एफ आई डी ई, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऑप्शन में कोई एक ही होगा तो टेंशन की बात नहीं है, क्लियर भैया, डाई सल्फाइड ब्रिज दिस इज द एक्टिव फॉर्म, ये है इंसुलिन, ये है इंसुलिन, कौन सी एक्टिव फॉर्म, और ये कैपेबल है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, एक बात भैया वो लिखेंगे आप जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, इतनी बातें एनसीईआरटी में है, ये जो ए चेन है दिस इज द पेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ए चेन के पास कितने अमीनो एसिड्स हैं पता है 21 अमीनो एसिड ए चेन के पास हैं, और बी चेन के पास हैं 30 अमीनो एसिड, अब आपसे मेरा सवाल है कि इंसुलिन के पास कितने अमीनो एसिड हैं, इंसुलिन के पास कितने अमीनो एसिड हैं, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, 21 प्लस 30 इज इक्वल टू, लाइट नहीं पंखा नहीं चल रहा दिमाग कम काम कर रहा है क्या भाई, कितने 51 अमीनो एसिड, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है याद कर लीजिए भैया, 51 अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें इंसुलिन में, जिसमें से 21 किसके हैं चेन ए के, और 30 किसके हैं चेन बी के, तो इंसुलिन में चेन ए एंड चेन बी मिलकर बनाएंगे भैया, तो आपके पास टोटल अमीनो एसिड मिलेंगे 51, डन बात है भैया, अब आप इसके आगे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं लिखना शुरू करिए,
लिखिए। ये जो ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड सी पेप्टाइड था ये प्रो इंसुलिन था। हाँ ये दिस इज प्रो इंसुलिन। फिर उसे रिमूवल कर दिया, इससे आपने सी पेप्टाइड को रिमूव किया और ये काम करना बी सेल का है। अब आपके पास सिर्फ क्या बची, दो चेन ए और बी, और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बना, देन इट इज इंसुलिन एक्टिव फॉर्म। क्लियर, लिखिए भैया। लिखिए, आपने सिर्फ समस्या लिखी थी ना, कौन सी, जो तीन लिखी हुई थी, अभी आपने इकोलाई का जिक्र नहीं किया ना कॉपी में। चलो लिखना शुरू करो, क्या लिखेंगे आप, जल्दी से बनाओ भैया। बिल्कुल फैन नहीं चला सकते हम लोग, इतनी पावर कट तो नहीं होती आपके शहर में भी, आप लोग तो स्टैंडर्ड लोग हो। इन्वर्टर में आवाजें भी आ रही हैं शायद, अपना है या उनका है, अपना इन्वर्टर बोल रहा है, इधर इधर से ही आ रहा है, मतलब ये किसी भी समय बंद हो सकता है, बचा लेना है ना, 45 मिनट चल जाए, 45 मिनट। जी लिख लिया भैया, आगे लिखो, स्टेटमेंट लिखो भैया। व्हेन व्हेन ह्यूमन इंसुलिन जीन, व्हेन ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, व्हेन ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, कॉमा, ऑल द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ इंसुलिन डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्सेस, ऑल द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ इंसुलिन डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्सेस वेयर रिमूव्ड। तीनों समस्याएं खत्म हो गई जैसे ही आपने ह्यूमन इंसुलिन जीन को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया, तुरंत जो आपके सामने तीन समस्या थी, तीन के तीनों खत्म हो गई। अब अलग से ये लिखने की जरूरत नहीं है भैया कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई, एलर्जी खत्म हो गई, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों समस्या खत्म हो गई। अगला पॉइंट लिखिए भैया, अगला पॉइंट, द मेन प्रॉब्लम इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज, आ गई लाइट भैया, द मेन प्रॉब्लम, फाइन ऑन करो भाई, मेन प्रॉब्लम इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज कॉमा इट वाज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, ब्रैकेट में लिखेंगे inactive form, it was synthesized the main problem with the
ईयर मेडिकल कॉलेज। मैं फर्स्ट ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले साल में आपको पहुंचा दूंगा, उसके आगे आप जानो, आपका काम जाने, पहले साल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है बस भैया, ठीक है। तो ये भैया दैट्स ऑल अबाउट द डायग्नोसिस, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ठीक है भैया। दूसरा एप्लीकेशन आपका पूरा तैयार हो गया, अब एक एप्लीकेशन बचा हुआ है, कौन सा? जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी जैसे आप पढ़ के खत्म करेंगे उसके बाद आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एक बचेगा आपके पास भैया ट्रांसजेनिक एनिमल, एंड देन बचेगा कौन सा, एथिकल इश्यूज, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग इस वीक में ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, है ना, इस चैप्टर को इसी वीक खत्म करेंगे। तो कल आपकी क्लास कब है, 5:40 to 7, तो उतना समय नहीं मिल पाएगा, परसों आपकी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, है ना, पहले से आप याद रखिएगा, परसों आपकी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, मे बी 9:30 तक जा सकती है, क्योंकि टारगेट ये रहेगा कि चैप्टर परसों खत्म कर देना है। बाकी बैच में भैया डीपीएस में सुबह खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीपीएस में जीन थेरेपी खत्म हो गई और वो एक पूरा लेक्चर, कल आप सिर्फ जीन थेरेपी पढ़ोगे तो आप कायदे से देखा जाए तो एक लेक्चर पीछे हो गए, है ना, क्योंकि जीन थे उनमें पूरा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन पूरा खत्म हो गया, आपका जीन थेरेपी बचा है, जीन थेरेपी 1 आवर प्लस का है और कल आप एक ही घंटा पढ़ पाओगे, तो कल आप एक लेक्चर पूछे पीछे हो जाओगे, तो परसों आपकी क्लास बेसिकली आप मान के चलो 1 घंटा प्लस हो जाएगी, और अगर 1 घंटा प्लस हो जाएगी तो आप बराबर में आ जाओगे, क्लियर बात है ना भाई। तो परसों और कल 2 दिन में मिलके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, आपका सिलेबस 75% डन हो जाएगा, देन हम लोग इकोलॉजी की शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई। जितने लोगों का भैया कल टेस्ट है एग्जाम में, इतने सारे लोगों का, तो घर जाइए और मेहनत करके रिवाइज करें, लेकिन अभी तो आप लोग की क्लास है, कितने बजे तक, कौन से टॉपिक की क्लास है, फिजिक्स में मतलब रेगुलर कोर्स चल रहा है या फिर एडवांस टाइप का कुछ, डीपीपी चल रहा है ना भैया, एक दिन डीपीपी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है सुबह नहीं, जैसे आप क्या करो, आपको पता है पक्का एग्जाम है तो आप छुट्टी ले सकते हो, आज आप नहीं करते, आज नहीं करेंगे ना भैया, तो आप ये आप लिबर्टी इतना ले सकते हो, आप सर से डीपीपी ले लो और डीपीपी लेके चले जाओ घर, बोल दो हमारा कल एग्जाम है, तो आप घर जाके अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, और जब आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो जाए तो कल किसी भी समय समय निकाल के डीपीपी सॉल्व कर लेना, या आने वाले संडे को सॉल्व कर लेना भैया, तो पायलट भी नहीं होना पाएगा और समस्या भी दूर हो जाएगी भैया, मेहनत कर आप भैया, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कंटेंट बड़ा है ना दोनों चैप्टर का, तो घर जाके रिवाइज कर लीजिए बेहतर तरीके से। देखो मैं आपसे क्या बोलता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपसे वो बिना पढ़ा हुआ पूछ ले, ऐसा जरूर हो सकता है जो आपको याद नहीं होगा और वो आपसे मिस हो जाएगा, तो कंटेंट एक बार देख जरूर लेना पूरा, है ना, बाहर से कुछ नहीं आएगा, 100% वही आएगा जो नोट्स में लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पूरा तैयार हो जाए, इसके लिए समय देना पड़ेगा भैया। तो अगर आप चाहो, अगर आपको टाइम का इशू हो रहा है ना, तो आप बस जाके डीपीपी लेके सर से बोल दो कल एग्जाम है इसलिए घर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम इसको घर पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ये आप कर लो, क्लियर बात है, हाँ ठीक है। तो कल मिलेंगे भैया, और कल हम लोग इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, पढ़ेंगे जीन थेरेपी, कल का लेक्चर पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा किस पे, जीन थेरेपी पे, चले भैया, हरे कृष्ण।